सो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज के फोर्थ पार्ट में। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से और नई चीजें चैप्टर के अंदर चैलेंजेस के रूप में आ रही है। अभी तक आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो जरूर डाउनलोड करिएगा। ई पाठशाला गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां से भी मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग की इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। दोस्तों ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा आपके लिए टफ है, तो मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को ये पता होगा कि भारत के अंदर 1757 के अंदर 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी में अगर आप देखें तो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर जो सिराजुद्दौला था, ये बंगाल का नवाब, अगर आप यहाँ वाले हिस्से में देखें तो बंगाल के नवाब को हरा कर, सिराजुद्दौला को हरा कर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को कैप्चर कर लिया। और जैसे ही बंगाल को कैप्चर करा तो उसके बाद 1858 का बैटल चलता है और 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स को जीत जाती है और 1858 के अंदर जाके पूरी तरीके से ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर देते हैं ब्रिटिश लोग, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह भारत के अंदर आ जाते हैं रहने के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू जो हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि सारा का सारा जो भी इंडिया था ब्रिटिशर्स ने सारा कैप्चर नहीं करा था, बहुत सारे लोगों को सारा लगता है। तो अगर आप लोग मैप में फोकस करने की कोशिश करें तो ये मैप मैंने ढूंढा है। इस मैप में ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि सारा हिस्सा भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को नहीं दे दिया था या सारा हिस्सा भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं बन गया था। कुछ कुछ प्रोविंस थे जैसे कि आपको एनसीईआरटी दिखाती है, अगर आप ये रेड में देखेंगे तो ये वो जगह थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने इलाकों को कैप्चर करा और गुलाम बना दिया। जबकि अगर आप पीले वाले हिस्से में देखो तो यहाँ पर अभी भी राजे रजवाड़े प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जब आज़ाद भारत की बात आ रही थी तो ब्रिटिशर्स ने तो यही कहा कि अगर आप लोगों को आज़ादी चाहिए तो आज़ादी तो हम उन जगह की दे सकते हैं ना जहाँ पर क्या कहते हैं जिस हिस्सों को हमने कैप्चर किया हुआ है, हम उन जगह की तो आज़ादी नहीं देंगे आप लोगों को कि जो हिस्सा ब्रिटिश प्रोविंस का है। कुछ ब्रिटिश प्रोविंस ऐसे थे जो आते अंग्रेजों के अंडर में थे पर उन्होंने उनको गुलाम नहीं बनाया था, वो ज़मीन उन लोगों ने बस कैप्चर कर रखी थी, उसके बदले में वो उनको लगान के रूप में पैसा दिया करते थे या लगान दिया करते थे फसलों का कुछ हिस्सा। अगर आप लोगों ने लगान मूवी देखी हो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रिटिश प्रोविंस की बात करें और प्रिंसली स्टेट की बात करें तो ब्रिटिश प्रोविंस रेड वाला, प्रिंसली स्टेट्स क्या कहते हैं आपका येलो कलर का। तो प्रिंसली स्टेट जो थे ऐसे एक नहीं थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। 565 प्रिंसली स्टेट्स बहुत होते हैं। इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये जो थे प्रिंसली स्टेट्स ये ब्रिटिश लोगों की प्रेसिडेंसी के अंदर रह के राज करते थे। अब जैसे ही भारत की आज़ादी मिलती है तो भारतीय लोग ये कहते हैं कि भैया अब पूरा भारत हमारा है, हमें नई तरीके से इस पूरे भारत को सोचना है समझना है। लेकिन अगर आप आज़ादी की बात करें तो भारत और पाकिस्तान जब पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पीरियड में तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ये वाला हिस्सा आज़ाद करेंगे ना, ये जो येलो कलर का ये तो आज़ाद नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स उन येलो वाले इलाकों को तो नहीं एग्री करवा पाएंगे पर अपना इलाका तो दे देंगे। इस हिसाब से हमारे सामने थे प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ मर्ज करने की बात, इसीलिए क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स ने येलो वाले स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को पैरामोंसी दे रखी थी। पैरामोंसी का मतलब सर्वोपरि भूमिका, कि कंट्रोल हमारा रहेगा, राज आप लोग करोगे। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि 565 रियासतों को भारत के साथ मिलाना वो बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों ने 565 रियासतों को ये कहा था कि अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं, अब आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या तो इंडिया के साथ चले जाओ, या अपना खुद का स्वतंत्र देश बना लो या स्वतंत्र स्टेट बना लो जहाँ के आप राजा बनोगे। उन स्वतंत्र स्टेट की आपकी अपनी आर्मी हो सकती है, अपने खुद के कॉइन्स हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भारत के सामने थी। तो आप ये देख सकते हो कि उस टाइम पीरियड पे जैसे ही भारत देश आज़ाद होता है तो कई स्टेट्स अपने आप को आज़ाद बोल देते हैं। जैसे त्रावणकोर सबसे पहला घोषणा करता है कि हम क्या कहते हैं सबसे स्वतंत्र हैं, हम अलग देश बनाने की डिमांड करते हैं। दूसरा उसमें से हैदराबाद भी था, हैदराबाद ने भी अनाउंस कर दिया था कि हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर एक हमारा एनसीईआरटी जो बताता है वो बताता है कि इंडिया जो था वो यही चाहता था कि भैया भारत अगर आज़ाद हो तो पूरा आज़ाद हो,
आधा उनका आधा तुम्हारा ये सिस्टम वाला सिस्टम नहीं बिल्कुल था, ये कहने की कोशिश बस कर रहे थे कि भैया हमें प्रिंसली स्टेट जो है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक मैनर में ही चाहिए। तो भैया ऐसे में आप देखोगे कि भारतीय संविधान बनाने वाले निर्माता वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि यार ऐसे तो ना होता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो अपनी खुद की चलाएंगे और उनके अलग से कॉइन्स होंगे, अलग से उनकी आर्मी होगी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से भारतीय सरकार का नज़रिया क्या था, भारतीय सरकार कहती थी द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉन्टेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, कि अधिकांश रियासत जब भारत का पार्ट बनना चाहती है तो उन्हें बनाओ। द गवर्नमेंट वॉज रेडी टू गिव द ऑटोनॉमस फॉर द सम रीजन, और जो भारत के साथ विलय नहीं होना चाहते हैं और स्पेशल रियायतें चाहते हैं, स्पेशल चीज़ें चाहते हैं तो उनको दो। उसके बाद इन द बैकडोर ऑफ द पार्टीशन द इंटीग्रेशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैज अज्यूम सुपर इम्पॉर्टेंट, और पूरी तरीके से कोशिश करी गई थी कि भैया भारत का नक्शा ऐसा बनाया जाए कि विभाजन की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विवाद पैदा ना हो, इसके एकीकरण के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी गई। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, विच इज़ ऑल्सो इन द न्यू सिलेबस, इस चैप्टर के न्यू सिलेबस के अंदर दिया हुआ है कि किस तरीके से एनसीईआरटी बताती है कि आपका पंडित नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल का रोल पूरे 565 रियासतों को एक करने में था। यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर बने थे, इन्होंने ही मोस्टली रूलर के साथ नेगोशिएशन करा था, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे ताकि 565 रियासतें भारत के साथ विलय हो सकी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कुछ रियासतें थी जिनके साथ प्रॉब्लम थी, जिन भी रियासतों को हम साथ में जोड़ते जा रहे थे उन रियासतों के साथ हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का साइन कर रहे थे, जैसे हम विलय संधि पत्र बोलते हैं। अब कुछ रियासतें बड़ी हरामी थी, मैं गाली दे रहा हूँ लेकिन हरामी इन द सेंस कि बहुत गलत थी भाई, 565 रियासतों में से मोस्टली मान गई, और जितनी भी मान गई तो हमें वल्लभ भाई पटेल के लिए बहुत शुक्रगुजार होना पड़ेगा, नहीं तो भारत का नक्शा आपको ऐसा दिखाई नहीं देता, कहीं कुछ और ये होता। लेकिन आज़ादी के बाद भी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये चार स्टेट्स ऐसी थी, यहाँ के चार राजा ऐसे थे जो किसी भी चीज़ पर एग्री नहीं हो पा रहे थे। अब इनको कैसे भारत के साथ विलय कराया गया, इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जो लास्ट पार्ट होगा। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।